नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुरनानी, सीईओ आईएमएफटी इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रेनिंग। दोस्तों, 100 डेज 100 वीडियोस की इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए हम लाए हैं एक जबरदस्त सरप्राइज, एक ऐसे महान अभिकर्ता जिन्होंने अभी तक 93 एमडीआरटी कर चुके हैं अपने करियर में, और अभी भी उनका जो ये बिजनेस है बहुत ही बेहतरीन बढ़ रहा है, अपनी मेहनत जबरदस्त कर रहे हैं। 4 बार टीओटी हो चुके हैं, और सेंट्रल जोन में अगर देखें तो सबसे पहले फास्ट ट्रैक टीओटी करने वाले ऐसे अभिकर्ता जिन्होंने एक से एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, और अभी भी उनकी जो यह जर्नी है सक्सेस की जारी है। आज हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं उनके सीक्रेट आपके साथ शेयर करने के लिए, उनकी सक्सेस जर्नी कैसे रही, वो किस तरह से काम करते हैं, और उम्मीद है आप सब लोग एक्साइटेड होंगे ऐसे साथी के साथ एक्सपीरियंस लेने के लिए, उनका शेयरिंग लेने के लिए कि किस तरह से वो अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस को कायम रख रहे हैं। हमारे साथ साथियों जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ और सेंट्रल जोन के नंबर 1 दिग्गज एजेंट श्री मनोज राठी जी। एक बार जोरदार तालियां सभी साथियों की तरफ से। मनोज राठी जी, आपका हम इस चैनल पर स्वागत करते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी साथी हैं ऑल ओवर इंडिया से, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वह सब साथी आज आपका एक्सपीरियंस सुनने के लिए आतुर हैं। मैं आपको एक बार फिर से हमारी चैनल पर आमंत्रित करता हूं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप की पर्सनालिटी देख के, आपका काम देख के ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे साथियों को लगता है आप उनके रोल मॉडल हैं, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह सक्सेस होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मनोज जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथियों के साथ शेयर करें कि आपने यह शुरू कैसे किया, किस तरह से आप इस बिजनेस में आए और किस तरह आगे बढ़े। मनोज जी, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल शानदार। आप कैसे हैं सर? मस्त मस्त, बढ़िया जी। सर, आपने पूछा कि आपने कहानी यानी कैसे चालू किया था व्यवसाय। सर, मेरा एक छोटा सा कपड़े का काम, यानी मैं मॉडले स्तर में कपड़े लेके लाता था और बेचता। इस बीच मेरे यहाँ एक लेडीज क्लाइंट आई, वो मेरे यहाँ से कपड़े लेकर, लेकिन वो एक दो महीने तक पेमेंट देने आई नहीं। तो मैं उनसे मिलने के लिए घर खोजते खोजते उनके घर गए। जब मैं उनके घर पहुंचा तो शाम को करीबन 5:30-6 बजे का वक्त, तो उनके हस्बैंड आए हुए। मैंने पूछा, सर पटेल जी का घर यही है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे अंदर बोला, तो अंदर बुलाया तो बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, सर मैं कपड़ा बेचता। तो उन्होंने बोला कि आप LIC एजेंसी ले लीजिए। मैंने कहा, नहीं सर, मैं LIC एजेंसी ढूंढ रहा। मैं बोला, सर आप बोले मैं LIC में ABM। तो मैं बोला, नहीं सर, मेरे को LIC से कोई इंटरेस्ट नहीं है, LIC नहीं। वहां से मैंने अपना पेमेंट दिया और मैं अपने घर आ। अगले रोज सर उन्होंने, शाम का वक्त था 5:30-6 बजे का, एक डेवलपमेंट अधिकारी को भेज दिया मैं। तो उस समय आए तो उन्होंने बोला कि आप LIC एजेंसी ले लीजिए। मैंने कहा, सर मैंने कल भी मना किया था, मैं नहीं लू। तो उन्होंने बोला कि आज रात से ऑल इंडिया में LIC एजेंसी देनी बंद हो गई, सिर्फ आज फोटो और अपना मार्कशीट दे दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं, बाकी सब मैं करूं। तो मैंने बोला, आप कोई आया है? तो उस समय मैं फोटो मार्कशीट दे दी। उसके बाद सर वो कंटिन्यू सर मेरे घर आने लगा, तो मेरा कोई परिचय भी नहीं था, कोई ऐसा काम भी नहीं। तो फिर कोई काम ना होने का मुझे LIC में आना पड़ा सर। ले देखे साल भर में मैंने 12 पॉलिसी, अगले साल आते आते तक मेरी एजेंसी सर टर्मिनेट हो। इसका मतलब साथियों, इतनी बड़ी जबरदस्त जर्नी में भी जो पहली दिक्कत बोलते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने में जो दिक्कत आती है, मनोज जी ने एक बहुत ही बेहतरीन एक अपना इनपुट दिया कि पहले साल 12 पॉलिसी हुई और दूसरे साल जो है एजेंसी खतरे में आ गई। यस मनोज जी, ठीक
फिर सर मैं क्या मेरे ही घर से ब्रांच 8 किलोमीटर दूर था, मैं साइकिल में जाता था। तो सर वहां जिनकी मैंने साल भर पॉलिसी की थी उनका रिन्यूअल आ गया, तो मैं जब पटाने के लिए लाइन में काउंटर में खड़ा था तो वापस मैंने डेवलपमेंट अधिकारी ने मुझे देख लिया। फिर वो मेरे को ब्रांच मैनेजर के चैप्टर चैम्बर में ले गए, उन्होंने बोला कि हम आपकी एजेंसी रिस्टार्ट कर देते हैं। मैंने देखा मेरे पास कोई काम भी नहीं था उस समय, तो फिर मैंने LIC उसी समय से स्टार्ट की वापस। तो ले देखे पहले साल 25-30 पॉलिसी हुई, फिर 40 हुई। 2005 में सर मैंने पहला MDRT किया, बहुत मुश्किल से मेरा MDRT हुआ, वहां से मेरी पहली जर्नी स्टार्ट ऐसे है। उसके बाद में कंटिन्यूशन MDRT COT TOT कंटिन्यूशन, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फैंटास्टिक, अभी तक 93 MDRT कर चुके हैं, अगर टोटल हम गिने इनका परिवार का और खुद का एजेंसी में, लगभग इस साल शतक पूरा कर देंगे कि 100 बार MDRT। और देखिए दोस्तों किस तरह से इन्होंने बिल्कुल हम्बलता से कि मुझे नहीं करना है और वहां से शुरुआत करके एक बार सक्सेस चख ली तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मनोज जी आपके सक्सेस मंत्र क्या है? सर 2000 मैं बताया मेरा काम ऐसे कम था, 2005 में मैं ट्रेनिंग में गया था। 2005 में उस लीडर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब तक आपके माता पिता जिंदा हैं आप कुछ करके या कुछ सक्सेस प्राप्त करें। तो वो मेरे बात वो मेरे माइंड में बैठ गई। उसके आने के बाद मैंने 2-3 महीने में बहुत ढूंढ ढड़ाके काम करके MDRT लाइफ का पहला और ब्रांच का भी पहला MDRT मैंने किया था। मेरे ब्रांच को खुले उस समय 17 साल हुए, किसी भी एजेंट ने MDRT नहीं किया। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वापस। सर मेरा मानना है कि जब तक आपके माता पिता दोनों अगर जिंदा है तो आप सौभाग्यशाली हो, दोनों में से अगर एक जिंदा है तो आप खुशकिस्मत। तो मैं उस बेस पे अपना काम स्टार्ट किया क्योंकि मैंने अपने पिताजी को बहुत मेहनत करते हुए देखा था, संघर्ष करते हुए देखा। तो वो संघर्ष मेरे खुद के भी दिमाग में आ गया था कि अगर मेरे पिताजी इतनी मेहनत कर सकते हैं उस एज में तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से मैंने काम चालू किया ऐसे कर। ओके फैंटास्टिक। मनोज जी आपको आगे जाके क्या लग रहा है, किस प्रकार की चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में आ सकती हैं? जो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आप NRI से काम कर रहे हैं, आप HNI से काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट से काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी एक टॉप लेवल के लोग हैं इस समाज में उन सभी से आप काम कर रहे हैं। तो जो दूसरी अलग अलग कंपनियां आ रही हैं या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, प्रोडक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो आने वाले समय में जो अभी करता है उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं जिसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए? सर आने वाले समय में LIC के लिए तो चैलेंज कम है सर, प्राइवेट सेक्टरों के लिए चैलेंज आने वाले समय LIC के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप हाईटेक तरीके से काम करिए, अपना स्टाफ मैनेजमेंट हर चीज का नॉलेज रखिए, क्लेम सेटलमेंट प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी के क्या रेट है, शेयर म्यूचुअल फंड हर चीज की आपको अगर जानकारी रहेगी तो आपको बाजार में किसी के भी सामने प्रेजेंटेशन करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको बताना पड़ेगा कि LIC का रिटर्न कितना अच्छा है। हमने बद्रीनाथ केदारनाथ में क्लेम दिया, भूकंप में क्लेम दिया, अभी हम कोविड में सर 12 घंटे में क्लेम दे रहे हैं आधार कार्ड से लेकर। तो ये सब अपने को जानकारी लोगों को देनी पड़ेगी तभी हम वहां पर आप अपनी जीवन प्रस्तुत कर सकेंगे। फैंटास्टिक, मतलब आपके आपके हिसाब से आने वाले समय में LIC अभिकर्ता के लिए एक स्वर्ण युग है। जो भी मेहनत करेगा, जो काम करेगा, जो कस्टमर के साथ जुड़ा रहेगा और कुछ ना कुछ नया करता रहेगा उसके लिए कोई चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस के लिए तैयार रखना पड़ेगा खुद को। मनोज जी आपने सक्सेस मंत्र जैसे मैंने पूछा था जी है ना, सक्सेस मंत्रा में क्या है सर, जब भी मैं घर से निकलता हूँ अपने माता जी के पैर छूकर निकलता हूँ सर, हर दरवाजे में जाने से पहले मेरा ये मानना है कि मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, इसके परिवार के लिए आया हूँ ताकि इसकी फैमिली का भला हो। जब ये दृष्टिकोण लेकर आप किसी क्लाइंट के यहाँ जाएंगे सर तो ऊपर वाला भी देखता है कि ये मेरा काम नीचे रह के कर रहा है तो मैं क्यों ना ऊपर बैठे बैठे इसका काम कर दूं। इस दृष्टि से अगर आप जाओगे तो आप पक्का सक्सेस होगी।
सर सक्सेस के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, पक्का इरादा करना पड़ेगा, जितने भी जितना बड़ा संघर्ष होगा सर उतनी बड़ी कामयाबी होगी, उतने जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे आप उतना बड़ा आपका संघर्ष होगा, ऐसा मेरा मानना है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सबसे पहले माँ पिताजी का आशीर्वाद जो आपको लाइफ में, वो सोशल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए जो ताकत मिलती है अंदर से। प्लस मनोज जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि आप जब कस्टमर के भले के लिए सोच रहे हैं तो भगवान आपका भला, ऊपर वाला आपका भला अवश्य चाहेगा, क्योंकि आप किसी परिवार की रक्षा करने जा रहे हैं, उनका भविष्य सुंदर बनाने जा रहे हैं, और आने वाले समय में आपका कस्टमर सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अगर उस भावना से हम जा रहे हैं तो कहवत है, अगर मन चंगा तो कठौत में गंगा। अगर अच्छे मन के साथ हम कस्टमर के पास जा रहे हैं तो ऊपर वाला भी, कस्टमर का भी ख्याल रखता है और आपका भी ख्याल रखता है। ऐसे सुंदर विचार है मनोज जी के, बहुत ही बढ़िया। मेरा ये मानना है सर, मंजिल मिले या ना मिले ये तो तकदीर की बात है, हम संघर्ष भी ना करें ये तो गलत बात। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मतलब डटे रहना है, लगे रहना है, मंजिल तक पहुंचाना ऊपर वाले का काम है, मंजिल तक जाने की कोशिश करना वो हमारा काम है, वो हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। बहुत ही शानदार मनोज जी। अच्छा मनोज जी, जैसे अभी आजकल जितने भी पढ़े लिखे क्लाइंट्स हैं, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या यंग जनरेशन जो आ रही है, वह फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रति जो है वो बहुत ही अवेयर है, वो चाहते हैं कि उनको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग मिलना चाहिए या सॉल्यूशन मिलना चाहिए, और वो अलग अलग सेक्टर्स पे भी फोकस करते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स की नीड के लिए आप क्या करते हैं मनोज जी? सर अभी लास्ट ईयर मैंने लॉकडाउन में आपका कोर्स किया, मुझे भी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में इतनी आइडिया नहीं। जब ये कोर्स मैंने किया तो मैंने देखा कि हर क्लाइंट का अच्छे अच्छे सीए भी इसका नहीं निकाल पाते, हर क्लाइंट का क्या मैरिज फंडिंग है, क्या एजुकेशन फंड है, क्या रिटायरमेंट फंड है, क्या लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म गोल है, क्या हेल्थ के लिए प्लानिंग करना है, हर टाइप के फंडिंग मुझे क्लाइंट को बताने में आसानी। ये मैं आपसे जब फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा सीखा तो मैं किसी भी क्लाइंट के पास बैठ के अपने लैपटॉप में उसको प्रेजेंटेशन देने लगी कि सर आप अगर अपनी एग्जैक्ट मेरे को इनकम और एग्जैक्ट आप अपने खर्चे बताओगे तो मैं आपकी पूरी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग निकाल के दूंगा। तो ये सब मैंने करने लगा सर। मैंने देखा जैसे ही मैंने आपसे ये सीखना चालू किया तो सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे गुरु ने कहा है सर, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो मैं वाह वाह, दिल की बात आपने कह दी कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाते हैं। तो मैंने सड़ना, मैंने पूरे लॉकडाउन में आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब मुझे किसी भी क्लाइंट के पास बैठने में बेहिचक नहीं होती, क्या IIR है, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हर चीज का मैं पॉलिसी होल्डर को क्या निकाल के पूरा चार्ट में कंप्लीट 30 पेज की रिपोर्ट होती है सर, कंप्लीट प्रेजेंटेशन देती। फैंटास्टिक। मतलब आज के परिस्थिति में जो मिलेनियल बंदे हैं, जो यंगस्टर्स हैं या जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, बैंक मैनेजर्स आ गए या हाई डिग्निटरीज जो लोग हैं वो फाइनेंस को जानते हैं, तो आपसे भी यह उम्मीद करते हैं कि आप उनको जो भी डिटेल दें वो परफेक्ट होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया मनोज जी, आप ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ये आने वाला समय ऐसे ही कस्टमर आपको मिलते रहेंगे, और जो लोग इस प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग डिमांड करते हैं वो लोग आपको प्रीमियम भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया देते हैं। इस बात में दो मत नहीं मनोज जी, आप जो कमर्शियल क्लाइंट्स हैं, जिस तरह से हम बोल सकते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो आप बिजनेस इंश्योरेंस और इंडस्ट्रीज के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, क्या आप उस इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करते हैं? यस सर, बड़े बिजनेस और इंडस्ट्री पे भी फोकस करता हूँ। मेन अभी मालिकों से ही काम हो रहा है सर, टीम एंड पॉलिसी, पार्टनरशिप, एम्प्लॉय MWA पैक्ट क्या है, इस सब की जानकारी अगर आप क्लाइंट को दोगे तो क्लाइंट डेफिनेट आपसे जुड़ना चाहेगा।
सर मैं जिसके यहाँ भी जाता हूँ अपने पुराने एजेंट से परेशान रहे, क्योंकि उसने पूरी जानकारी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग क्या रिटर्न है क्या मैच्योरिटी है कुछ भी नहीं दिया, वो एजेंट चेंज करने के लिए ही बैठा, मेरा पहुंचना होता है और वो अपना एजेंट चेंज करने के लिए। फैंटास्टिक। अगर आप सभी हथियार लेकर मार्केट में उतरते हैं, आपके पास हर एक प्रकार की जानकारी है, और जानकारी ऐसे तो नहीं मिलती मनोज जी, इतनी मेहनत करते हैं और छोटी छोटी जानकारी को एकत्रित करते हैं, कस्टमर के लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो सकती है वो जानकारी, कस्टमर को सही सलाह, उसके सही भविष्य के लिए सुंदर निर्माण करने के लिए जो आप हेल्प करते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। और यह तो मैं पर्सनली अवश्य कहूंगा कि 24/7 कस्टमर के लिए मनोज जी सोचते हैं, और अगर कोई भी बात होती है तो अवश्य शेयर करते हैं कि सर इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हो सकता है। मनोज जी आप बहुत ही जोरदार काम कर रहे हैं, अब आपका ड्रीम क्या है आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में या 10 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? सर आने वाले 5 साल में इंडिया में नंबर 1 की पोजीशन में देखना चाहता हूं मैं अपने आप को, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। मेरा ये मानना है कि एक बार कम से कम उस रैंक पे जब मैं ऑल इंडिया में, आज मेरा टीओटी में 7 स्थान है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 7 पायदानी दूर हूं मैं तो कम से कम पहले स्थान तक पहुंच जाओ ऑल इंडिया। फैंटास्टिक। ऑल इंडिया में पहले स्थान तक पहुंचने के लिए दोस्तों एक कहावत है, अगर आपने आपका गोल बहुत ही ऊंचाई पे रखा है, नंबर 1 का रखा है, आज नहीं तो कल आप उस गोल पर अवश्य पहुंचते हैं। जरूरत यह होती है कि अर्जुन की तरह अपने गोल पर, उसकी आंख पर निशाना हमेशा साधे रखना पड़ता है, तब आप वहां अवश्य पहुंचते हैं। एक लास्ट चीज मनोज जी, जो हमारे उभरते सितारे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में आपको एक रोल मॉडल मानते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अगर उनको आगे बढ़ना हो तो कोई ऐसे 3 मंत्र जो वो ध्यान रखें तो आप ही की तरह वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। सर सबसे पहले तो उन्हें अपने प्रोफेशन से प्यार करना, प्रोफेशन से प्यार करना, वेरी गुड। सर 2 ही दशा में आपको नींद नहीं आ सकती, एक तो अगर किसी को लड़की से प्यार हो जाए और दूसरा अपने प्रोफेशन से प्यार हो। जिसने अपने प्रोफेशन से प्यार कर लिया वो टॉप के शिखर तक पहुंचने तक उसे कोई भी नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। पहला अपने प्रोफेशन से प्यार करें, और लर्निंग के लिए मनोज जी आप क्या कहेंगे दोस्तों को कि हम तो एक मंत्र अवश्य कहते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद, जीतता वही है जो सीखता है, आप क्या कहेंगे मनोज जी? सर लर्निंग और अर्निंग, आप जितना ज्यादा लर्निंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, आपने लर्निंग बंद कर दी तो आपकी अर्निंग भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ नॉलेज है, लेकिन मैं जब जब कोई ट्रेनिंग लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि यार मुझे तो कुछ भी नॉलेज नहीं। हर ट्रेनर, हर आदमी अपने हिसाब से नई चीज ही बताती है। जैसे मैंने आपका फाइनेंस प्लानिंग किया, अगर मैं करता ही नहीं तो इस साल मेरा टीओटी इतने जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया लोगों को तो लोगों को पता चला कि मेरे इतना प्रीमियम का गेप है, मुझे ये लेना पड़े। आज नहीं तो किसी ने कम कर लिया, किसी ने ज्यादा कर लिया। जब मैंने लोगों को ये बताया तब लोगों ने इंश्योरेंस, अगर मैं बताता ही नहीं तो लोग इंश्योरेंस कहां से। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मनोज जी, बहुत ही शानदार। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आप इंडिया के नंबर 1 और एशिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के नंबर 1 की जर्नी में जो आप आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामना है। पूरे इंडिया और बाकी के देशों के साथियों की भी आप सभी को शुभकामना है मनोज जी, और आपने इतना कीमती समय दिया हमारे साथियों को, जो आपने अपनी मन से बगैर कुछ छुपाए हुए जो अपने मन के सीक्रेट्स आपने उनको बताए और उनको गाइड किया, उस सभी के लिए मनोज जी मैं आपका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद मनोज जी।